एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है गुरुकुल के मेंबर्स और हमारे परिवार के मेंबर्स से पूछते हैं, यू नो, हाउ डू यू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ओल्ड लॉयल एम्प्लॉयज एंड न्यूली रिक्रूटेड टैलेंटेड पीपल। तो सवाल ऐसा है कि झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, और एक इसके बीच में होते हैं जो ओल्ड होता है, लॉयल होता है, यू नो, जो एम्प्लॉय होता है, और न्यूली रिक्रूटेड टैलेंटेड पीपल। तो हो सकता है कि एक यू नो, तो कंपनी में ये सिलसिला जो है मारा मारी का, कॉन्फ्लिक्ट का, ये महाभारत के ज़माने से चलता आ रहा है और ये आने वाले 50,000 साल तक चलता रहेगा। तो देयरफॉर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू तो चलता ही रहेगा। लेकिन ये ओल्ड एंड द न्यू का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये संभालना किसको है? ये ना वो न्यू एम्प्लॉय संभाल पाएगा, ना ओल्ड एम्प्लॉय समझ पाएगा। तो उसका जो मैनेजर्स होता है, उसका जो लीडर होता है, उसका जो मेन आदमी होता है, जिसने ये ओल्ड को सामने न्यू को लाया, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ओल्ड एंड न्यू को ब्लेंड किया जाए, ओल्ड एंड न्यू को अमालगमेट किया जाए, ओल्ड और न्यू को यूनिफाई किया जाए। अब बोलना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है। एक यहाँ पर ये बोला गया है कि एक तो हाउ डू यू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ओल्ड लॉयल एम्प्लॉयज। अब ओल्ड आदमी जो है लॉयल एम्प्लॉय होता है। अब ये करेक्ट बात है कि वो लॉयल एम्प्लॉय 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से है अपने कंपनी में। अब वो 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से, 20 साल से अपने कंपनी में है और उसने छोटे लेवल पे उसने ज्वाइन किया था, उसने कंपनी के लिए बहुत काम किया, उसने एफर्ट डाला, दिल से काम किया, कंपनी की ग्रोथ में उसने साथ दिया, कंपनी का फ्यूचर में आगे बढ़ने का उसने साथ दिया। लेकिन ये ओल्ड एम्प्लॉय का एक लिमिटेशन होता है। वो लोग एक लेवल पे आके, समझो वो 15 साल से, 20 साल से हैं, वो एक लेवल पे आके उसका सोच अटक जाता है, उसका माइंडसेट बन जाता है और वो माइंडसेट की वजह से माइंड उसका सेट हो गया। वो बोलता है मैं इसी तरह से काम करूँगा। वो बोलता मतलब उसका काम करने का तरीका सेट हो चुका है, इसीलिए तो बोलते हैं ना माइंड सेट हो चुका है। सेट हो गया मतलब उसका काम करने का तरीका सेट हो गया। अभी अपन उसको कितना भी बोले वो नया आइडियाज़ को ला नहीं रहा है, इसीलिए हमें बाहर से आदमी को कंटिन्यूसली लाना पड़ेगा। और लाना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि ये जो बाहर का आदमी है, ये मल्टीपल और जगह पे काम किया है और उसके पास अलग अलग एक्सपीरियंसेस है, अलग अलग उसके पास तजुर्बे है, वो तजुर्बा अब ये कंपनी में चाहिए। जब हम उसको वहाँ से बाहर से लाते हैं तो उसको सैलरी इंक्रीज करके लाते हैं या उसको अपग्रेड करके लेके आते हैं, पैसा ज़्यादा करके लेके आते हैं। तो पहला बात तो जब हम पैसा ज़्यादा ले करके लेके आते हैं, यहाँ पर ओल्ड एम्प्लॉय को लगता है यही काम तो मैं कर रहा हूँ और मेरे को इतना नहीं मिल रहा। लेकिन ये ओल्ड एम्प्लॉय नहीं समझ रहा है कि उसको जो इंक्रीमेंट्स मिले हैं वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऑफ हार्डवर्क मिला है, वो अपने काबिलियत को आज नहीं बढ़ा रहा है। एंड देयरफॉर वो जो नई काबिलियत हमें चाहिए, जो अभी कंपनी में नहीं है, वो नई काबिलियत के लिए हम बाहर से आदमी को ला रहे हैं। तो ये वो लाने वाले, जब हम बाहर से ला रहे हैं, वो बेचारा, उसका भी कोई गलती नहीं है। ये जो बैठा है, जो ऐसा सोच रहा है, ये भी गलत नहीं है। तो हमारा काम क्या है एज ए मैनेजर, एज ए लीडर, हमारा काम है इन दोनों को इंटीग्रेट करना। हम लोग क्या करते हैं, ये जो ओल्ड नई एम्प्लॉय जो है ना, इसको लाते हैं और फट करके हम लोग कंपनी के सिस्टम में उसको डाल देते हैं। अब ये ओल्ड एम्प्लॉय उसको ऐसा पट्टी पढ़ाता है कि वो 10 दिन में भाग जाता है, कभी 1 महीने में भाग जाता है, कभी एक यू नो 3 महीने में भाग जाता है। और वो ओल्ड एम्प्लॉयज एक संगठित ग्रुप के मार्फत है, वो ये इंश्योर करता है कि नया टिक नहीं पाए। अब उसको अगर टिकाना है तो अपने जैसे मैनेजर्स को और लीडर्स को क्या करना पड़ेगा, जैसे ही ये ओल्ड को लाते हैं और न्यू के साथ काम में लगाते हैं, तो हमें पहला 30 डेज डेली मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर हमने नया वाले को लाया और उस ओल्ड वाले को बोला बेटा इसको ये सिखा देना,
तो हमें हर दिन शाम को 5 बजे ओल्ड और न्यू के साथ बैठ जाना चाहिए कि ओल्ड ने न्यू को सिखाया कि नहीं। पहले पहले दिनों में ओल्ड वाला न्यू को शायद नहीं सिखावे, लेकिन अगर 5 बजे आपने मंडे मिला, ट्यूसडे मिला, वेनेसडे मिला, थर्सडे मिला, फ्राइडे मिला, सैटरडे मिला, फिर मंडे मिले, फिर ट्यूसडे मिले, फिर थर्सडे मिले, फ्राइडे मिले, इस तरह से आप मिलते रहेंगे 5 बजे शाम को कि तूने इसको क्या सिखाया और तू क्या सीखा, तूने इसको क्या सिखाया और तू क्या सीखा, तूने इसको क्या सिखाया और तू क्या सीखा। अगर ये पहला 30 डेज जो हैंड होल्डिंग अगर टाइट रहेगा तो ओल्ड जानता है कि तेरी नजर उस पे है और न्यू भी जानता है कि ओल्ड से उसको फटाफट जो भी है सीख लेना चाहिए और ओल्ड को भी मालूम है कि उसको नई चीजें उसको सिखाना चाहिए। तो हमें पहला 30 डेज तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना, उसके बाद हम समझो 2 दिन में एक बार या 3 दिन में एक बार बैठ के ये देखे कि ये लोग दोनों के बीच में ये जम रहा है कि नहीं। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है जो हमेशा मैं बोलता हूं कि अगर आप कुछ नया को ला रहे हो तो आप जो ओल्ड है उसको पहले ही कॉन्फिडेंस में लीजिए, पहले उसको बताइए कि देख बेटा तू जो कर रहा है ना वो यहां तक कंपनी आ रहा है और तेरे से अब होता नहीं है, तू पढ़ाई भी नहीं कर रहा है, तू अपने आप को अपग्रेड भी कर रहा है, मैं तेरे को निकाल नहीं रहा हूं लेकिन तू अभी इससे ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन तेरे पोजीशन पे 10 और चीज होना चाहिए, जो पोजीशन पे बैठा 10 और चीज होने चाहिए, तो मैं तेरे सेम लेवल पे एक आदमी को ला रहा हूं या तेरे ऊपर में एक आदमी को ला रहा हूं। तो वो उसको कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ही जरूरी है कि बिकॉज यू हैव एन इनहेरेंट इनएबिलिटी, आप में वो क्षमता नहीं है, आप में वो चीज करने की ताकत नहीं है, बोल के हम लोगों को ये नया को लाना, नया को तो लाना ही पड़ता है क्योंकि ओल्ड का एक लिमिटेशन होता है, उसका एक नजरिया होता है, उस नजरिए को कितना भी हो सके अपने एक लिमिट के बाहर उसको तोड़ नहीं सकते अनलेस वो खुद नहीं चाहे। बहुत सारे ओल्ड एम्प्लॉयज खुद नहीं चाहते हैं कि और कुछ नया करें क्योंकि हर ओल्ड का मतलब क्या है, वो सेट हो चुका है, सेट का मतलब है उसको अभी सब काम प्रेडिक्टेबल होना चाहिए, मतलब उसको कुछ भी नया नहीं चाहिए, तो प्रेडिक्टेबल होना चाहिए और यू नो उसके रेंज में होना चाहिए, उसको जो समझ है वही वो करना चाहता है, जो नहीं समझता उसकी एक्सप्लोरेशन में वो नहीं जाता। तो ये जो बाहर से हम आदमी ला रहे हैं उसने वो एक्सप्लोरेशन किया है, इसीलिए ओल्ड का और न्यू का लाना और उसे मर्ज करना बहुत ही जरूरी है। एक और बार अगर क्वेश्चन को पूछेंगे हाउ टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ओल्ड एंड द न्यू एम्प्लॉय, डेफिनेटली इट इज ओनली थ्रू काउंसलिंग। दूसरा जो है आपको बिठाना पड़ेगा, आपको ये जो दो जो झगड़ालू है या जो जो झगड़ा कर रहे हैं इनको सामने बिठाना पड़ेगा और आपको कंटिन्यूसली काउंसलिंग करना पड़ेगा, कोच करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि तुम दोनों के झगड़े की वजह से कंपनी में ग्रोथ नहीं हो रहा, तुम दोनों का तुम एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हो, तुम एक दूसरे से फाइट कर रहे हो, उससे कंपनी सफर हो रहा है, टीम सफर हो रहा है, कंपनी का फ्यूचर सफर हो रहा है, तुम लोग आपस में इधर बैठ के मारामारी करते हो, हम तुम दोनों को मिलके मार्केट में मारामारी करना चाहिए, कॉम्पिटिटर के खिलाफ मारामारी करना चाहिए, जो मार्केट में जो नई नई चीजें हो रहा है उसके सामने अपन फाइट करके खड़ा रहे, ये हम लोग को ये करना चाहिए। तो आप लोग ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको समझ नहीं है ना, उनकी मैच्योरिटी उतनी है। अब ये झगड़ा दो आदमी क्यों करता है, क्योंकि जो ये जो दो इंसान है उनकी मैच्योरिटी की भी एक समझ होती है ना, यू नो हर आदमी गिव एंड टेक में नहीं बिलीव करता है, हर आदमी दिलदार नहीं होता है, वो अपना पोजीशन पकड़ता है, ये अपना पोजीशन पकड़ता है। तो हमारा काम है इनको इंटीग्रेट करना, इनको साथ में लाना, इनके साथ बातचीत करना, इनको कंपनी का विजन याद दिलाना, इनको कंपनी का फ्यूचर याद दिलाना। वी नीड टू कॉन्स्टेंटली अपग्रेड द ओल्ड एट द सेम टाइम की ब्रिंगिंग द न्यू, बट दिस अमालगमेशन इज अ लीडरशिप गेम, द अमालगमेशन इज अ मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट गेम, और ये मैनेज करने की जो खूबी, अगर कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की खूबी अगर लीडर में नहीं है तो ये दो झगड़ालू करते झगड़ा करते ही रहेंगे और उससे you know, कोई सार नहीं मिलेगा, उससे कोई ये क्या बोलते हैं उससे कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। तो अपना काम एज मैनेजर्स इज टू वर्क ऑन ऑल दोज पीपल। Thank you very much.